कि बैठो ये फोर्थ सीट है तुम्हारी, अरे फोर्थ सीट पे नहीं बैठोगे तो फोर्थ टर्मिनल को कैसे पकड़ोगे? आ जाओ बैठो, डर रहे हो? पुलिस कर मोहल्ले में क्या होता है अपराध? कौन बेचता है? कौन तो थाना है? थाना कोतवाली है। कौन बेचता है बताओगे? यार देखो बहुत अच्छा बताया सौरभ, सौरभ को तुम्हें जब भी जाएंगे छुट्टी पे सौरभ को चार्ज दे के जाएंगे, पूरा जिला संभालेगा सौरभ। सौरभ सोनी तैयार है ना? मैं जल्दी छुट्टी पे जाने वाला हूँ और चार्ज तुम्हारे पास रहेगा। हाँ कौन बेचता है? एक मिनट उसका बुलंद करना, और ये सब आप करोगे। इसीलिए सरकार ने ये योजना बनाई है कि आप हमारे ऑफिसेज में आए और देखें कि पुलिस अधिकारी कैसे काम करता है, किन परिस्थितियों में हम काम करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे डिपार्टमेंट में अच्छे लोग भी हैं, खराब लोग भी हैं। जैसे इन्होंने बताया कि चीटा वहाँ पैसा लेता है, तो ऐसा नहीं कि हमारे डिपार्टमेंट में सब राजा हरिश्चंद्र, हर तरीके के लोग इस डिपार्टमेंट में हैं। लेकिन इसीलिए पुलिस में रेगुलेशन बना है ऐसे लोगों को दंडित करने के लिए। हम समय समय पर इनको सजा देते हैं, इनको बर्खास्त करते हैं, इनको निलंबित करते हैं। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न? किसी को और कोई प्रश्न? 9555 365 786 95 55 365। देख लिया? 786 95 55 365। वहाँ पर जब बच्चे चले जाते हैं और टीचर चले जाते हैं शाम को 5 बजे के बाद, ये शराबियों की जमावट लगी रहती है। आज आप खुद जाके देखेंगे, ये प्रिंसिपल साहब मेरे सामने खड़े हुए हैं। अगर कल वहाँ पर शराबियों की वहाँ पर वेरी गुड माइक 1 टू टी आई गोहलपुर ये कपिल चौधरी है, ये 5 मिनट के लिए आपके एसपी बन गए हैं, ये बताएंगे कि एक आदमी इनके इलाके में गांजा बेचता है जिसको आपको दूर करना है, पकड़ना है और कार्रवाई करना है। बताओ तो सर नहीं एसपी हो तुम, बोलो जोर से बोलो। चीता कर देखा टीआई साहब, ये लड़का देखता है कि आपकी चीता जो है उससे पैसा लेके जाती है और गांजा बेचता है सिकंदर नाम का व्यक्ति। अगर शाम तक नहीं पकड़ा गया तो वो चीता वाला भी सस्पेंड होगा और आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। चंडाल वाटा में, और अपने चीता को बता दीजिए कि नौकरी खा जाऊंगा, उनकी बर्खास्त कर दूंगा। ये पूरी तैयारी की गई और एक आपने आज बच्चों को भी बुलाया और एक उनको एसपी भी बनाया, और ये जो सूचना संकलन होगी और एक नव निर्माण जो होगा बच्चों के अंदर, इसमें किस तरह से आप पूरा? देखिए ये पूरे योजना का उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है, पुलिस और पब्लिक के बीच जो दूरियां हैं उसे दूर करना। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि अगर हम बच्चों से जाकर इंटरेक्ट करें, पुलिस का जो फोबिया है, पुलिस का जो डर है उसको समाप्त करें, तो निश्चित तौर पे जो कम्युनिटी पुलिसिंग है, सामुदायिक पुलिसिंग है, उसका बढ़ावा मिलेगा। और आपने बहुत ही अच्छी चीज़ कही कि इंटेलिजेंस मिलेगा, हमारा अपना पुलिस का इंटेलिजेंस रहता है लेकिन इसके साथ साथ पब्लिक इंटेलिजेंस अगर इसके साथ मिल जाएगा तो हमारी पुलिसिंग बहुत अच्छी रहेगी। आज मैंने बच्चों से इंटरेक्ट किया, संवाद किया, बहुत सी ऐसी जानकारी मुझे मिली जो मेरे टीआई नहीं देते थे। वो बच्चा उस मोहल्ले में रहता था, उसे पता है कि शराब कहाँ बिक रही है, गांजा कहाँ बिक रहा है, कहाँ जुआ खिलाया जा रहा है, सारी चीज़ें
क्योंकि वो अबोध बचपन है, उसके अंदर जो कुछ है वो सारी चीज़ें उसने बाहर निकाला, उसमें किसी से किसी के लाभ हानि का कोई डर नहीं है, उसे उसको किसी का भय नहीं है, उसे अच्छी और ख़राब चीज़ें जैसी है वैसी पता है, वो बायस्ड नहीं है, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है। तो ये योजना स्टूडेंट पुलिस कैडेट की जो है, इसके तहत आज बच्चों का एक समूह आया था जिनको हमने ड्रेस और कैप दिलवाई है, कुछ इनकी और डिमांड्स थी, जो भी फंड आएगा उसमें उनको प्रोवाइड किया जाएगा। उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है, पुलिस और जनता के बीच की दूरियों को समाप्त करना, उनको पुलिस के उपयोग में लाना, क्योंकि पुलिस भी अल्टीमेटली उड़ी की सेवा के लिए, जन सेवा के लिए, जितना अच्छा इंटेलिजेंस मिलेगा निश्चित तौर पे पुलिसिंग भी उतनी अच्छी होगी, और पुलिसिंग भी उनकी डिमांड के अनुरूप होगी, उनको उनके मोहल्ले में क्या समस्या है, उनके समस्या शराब को लेकर हो सकती है, गांजा को लेकर हो सकती है, जुआ को लेकर हो सकती है, या किसी गुंडे विशेष से हो सकती है। बच्चों ने बड़ी बेबाकी से उन नामों को बताया हमें, मैंने तत्काल थाना प्रभारी से उन बच्चों से बात करवाया, एक बच्चे ने बेबाकी से बताया कि उसकी माँ पिटती है पिता से। तो ये भी एक अमूमन एक बड़ी समस्या है जिससे पुलिस वाले रूबरू होते हैं, और ये टूटते समाज की ओर भी संकेत करते हैं, जिस तरह से ये समस्याएं आती हैं पारिवारिक विघटन की। तो ये निश्चित तौर पे एक अच्छा पहल है सरकार का, और इस पे हम लोग अपने स्तर पर जो भी होता है वो हम कर रहे हैं, और हमारे सारे अधिकारी इसमें जुटे हुए हैं, इसका परिणाम निश्चित तौर पे बहुत ही फ्रूटफुल सकारात्मक आने वाला है। बच्चे लेके आज जन सुनवाई में SP साहब के पास हम लेके आए थे, और उन्होंने इन बच्चों को बहुमूल्य जानकारियाँ दी तथा इन बच्चों से काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त की कि इनके घर परिवार में कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है, इनके मोहल्ले में कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है, विद्यालय में कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है, यदि है तो उसको उन्होंने सुना, और तीन बच्चों को आज 5-5 मिनट के लिए SP का पद देकर उनसे भी जो है कैसे संचालन किया जाता है, SP के पद पे बैठकर काफ़ी बखूबी जो है उन्होंने वहाँ के TI से बात कराया, जिस इलाके के बच्चे थे, और बच्चों को मिठाई के तौर पे मिठाई दी और उनको टॉफियां बांटी और बच्चों का मनोबल ऊंचा किया और आगे भी इसी तरह से कार्य करने के लिए बच्चों को प्रेरित किया। सर आपका शुभ नाम? हमारा नाम अमरेश चंद्र पांडे, प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तमरहाई। आज मुझे SP ऑफिस आके बहुत अच्छा लगा कि 5 मिनट के लिए मैं SP बना, और मैंने बहुत सी चीज़ें देखी कि सर लोग कितनी देर से काम करते हैं और कितना कॉन्फिडेंस रहता है कि उनमें कि हम ये कर सकते हैं। मैं सलाम करता हूँ ऐसे सरों को जो अपनी ईमानदारी से पूरा कार्य करते हैं। जय हिंद। राकेश कैसा?